then show that x is equal to y minus 1 over 2y and the second part is find the interval in which the series is convergent पहले हम इसका part 1 करते हैं अब यहाँ पे जो given series है वो है y is equal to 1 प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है वन तो ए वन आ जाएगा वन के इक्वल अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है तो हम यहाँ पे एस इनफिनिटी को पुट कर देंगे वाई के इक्वल और इसका मतलब ये है कि वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनफाइनाइट सीरीज के सम को अब हम फाइंड कर लेंगे आर को और आर फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे वन एंड टू एक्स तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू एक्स ओवर वन एंड दिस इज इक्वल टू टू एक्स उसके अलावा हम सेकंड और थर्ड टर्म को भी कंसीडर करके एक दफा आर फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास आर आ जाएगा फोर एक्स ओवर टू एक्स इंटू वन इज टू टू इंटू टू इज फोर और x x के साथ हो जाएगा कैंसिल और r यहाँ पे भी आ जाएगा टू एक्स के इक्वल तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द सीरीज जो कॉमन रेशियो है वो सेम है नाउ वी विल यूज द s इज इक्वल टू ओवर तो हमारे पास यहां पे s इंफिनिटी की जगह आ जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस टू एक्स अब राइट right साइड पे ये जो वन माइनस टू एक्स वन के साथ डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे left side पे तो हमारे पास अब आ जाएगा y y y 1 1 2x 2xy 2xy इसको शिफ्ट करेंगे राइट right साइड पे और राइट साइड पे ये जो वन है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई अब राइट साइड पे ये जो टू और y, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा वाई माइनस वन ओवर टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स तो x यहाँ पे आ चुका है y माइनस वन ओवर टू वाई के इक्वल तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है That x is equal to y minus माइनस over ओवर टू वाई हूव नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट टू पार्ट टू में हमने वो interval फाइंड करना है जिस इंटरवल में जो series है वो convergent है एक series convergent तब ही होती है जब कॉमन रेशियो का जो मॉडल है वो लेस देन वन हो इज सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है अब यहाँ पे हमने कॉमन रेशियो फाइंड की थी 2x के इक्वल तो r की जगह आ जाएगा 2x, एक्स यहाँ पे आ मोडलस एंड साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट right साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा मोडलस ऑफ x इज लेस देन वन ओवर टू मोडलस x इज इक्वल टू x if x is greater than and equal to 0 and minus x if x is less than 0. अब अगर यहां पे हम पहले assume करें कि जो x है वो less than 0 है तो हमारे पास आ जाएगा minus x less than 1 over 2 अब इस पूरी equation को अगर minus sign के साथ multiply कर दें साइन ऑफ इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस वन ओवर टू अब हम अज्यूम करते हैं जो x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन वन ओवर टू अब हम इन दोनों इन को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ज ग्रेटर देन माइनस वन ओवर टू एंड लेस देन वन ओवर टू तो ये आ चुका है हमारे पास इंटरवल जिसमें सीरीज कन्वर्जेंट होंगी दस द सीरीज इज कन्वर्जेंट इन The interval or interval hai? minus 1 over 2, 1 over 2. So, this is our final and required result. Next, we have question number 13 if y is equal to 1 plus x over 2 plus x square over 4 plus so on. Part 1 is show that x is equal to 2 into y minus 1 over y, and part 2 is. फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट अब पहले हम करते हैं पार्ट वन को गेवन सीरीज एज वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स ओवर टू प्लस एक्स स्क्वेर ओवर फोर प्लस सो ऑन तो यहां पे अब ए वन है हमारे पास वन के इक्वल

टू इंटू वन इज टू टू इंटू टू इज फोर तो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर टू के इक्वल तो इसका मतलब ये है थ्रू आउट सीरीज जो कॉमन रेशियो है वो सेम है यूज द फॉर्मुला एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स ओवर टू वाई इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स ओवर टू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा टू माइनस एक्स ओवर टू वाई टू टू ओवर टू माइनस एक्स अब राइट right साइड पे ये जो टू माइनस एक्स जो कि टू के साथ हो रहा है डिवाइड इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा वाई इन टू टू माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 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 वाई माइनस y x is equal to 2 अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस y x है इसको शिफ्ट करेंगे राइट right साइड पे और राइट right साइड पे जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2y minus 2 is equal to y x अब लेफ्ट साइड पे अब राइट right साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2y minus 2 over y and this is equal to x तो x यहां पे आ चुका है 2y माइनस टू ओवर वाई के इक्वल अब यहाँ पे न्यूमिरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है टू तो टू को लेते हैं कॉमन और हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वाई माइनस वन ओवर वाई तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है एक्स इक्वल है टू इंटू वाई माइनस वन ओवर वाई के हैं प्रूव अब हम करेंगे पार्ट टू पार्ट टू में हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी एक इनफाइनाइट सीरीज तभी कन्वर्जेंट होती है जब मॉडुलस ऑफ आर लेस देन वन हो अदरवाइज जो सीरीज है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है अब यहाँ पे हमने आर फाइंड किया था ओवर टू के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर टू इज लेस देन वन देन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स लेस टू अगर हम कंसीडर करें जो एक्स है वो लेस देन जीरो है देन हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स लेस देन टू अब इस पूरी इक्वेजन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये इक्वेजन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन ऑफ इन भी चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन टू अब इन दोनों इनक्वालिटी को कंबाइन करके लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू दस दीरिज एज कन्वर्जेंट इन

सबसे पहले हम ज्यूम करते हैं जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसको लेट द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए वन इंटू आर प्लस ए वन इंटू आर स्क प्लस सो ऑन ये आ चुकी है हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अब क्वेश्चन में हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो है सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज नाइन तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग

ए वन ओवर वन माइनस आर अब राइट साइड पे ये जो वन माइनस आर डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा नाइन इन टू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए वन दिस इज इक्वेशन नंबर वन ऑल्सो गिवन क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 81 ओवर 5 तो यहां पे जो नई सीरीज बनेगी उसके सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस एन प्राइम के साथ एंड दिस इज इक्वल टू ए वन स्क्वेर प्लस ए वन स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए वन स्क्वेर टू आर रेस टू द पावर फोर प्लस सो ऑन तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ एन इन फाइनेट सीरीज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एट्स टर्म्स एज एटी वन ओवर फाइव तो हमारे पास एस एन प्राइम आ जाएगा एटी वन ओवर फाइव के इक्वल और एस एन प्राइम इज इक्वल टू ए वन स्क्वेर ओवर वन माइनस आर स्क्वेर तो यहाँ पे अब हम एस एन प्राइम की जगह पुट कर देंगे एटी वन ओवर फाइव आ जाएगा एटी वन ओवर फाइव इज इक्वल टू ए वन स्क्वेयर ओवर वन माइनस आर स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर वन को एक्वेजन नंबर वन में हमने फाइंड किया था ए वन इज इक्वल टू नाइन इंटू वन माइनस आर फ्रॉम एक्वेजन वन पुट ए वन इज इक्वल टू नाइन इंटू वन माइनस आर तो हमारे पास आ जाएगा एटी वन ओवर फाइव इज इक्वल टू नाइन इंटू वन माइनस आर होल ओवर वन माइनस आर स्क्वेर एटी वन ओवर फाइव इज इक्वल टू नाइन इज़ एटी वन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस आर होल स्क्र के साथ ओवर अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है r और ये फॉर्म में है दिस इज़ इक्वल टू तो r की जगह हमारे पास आ जाएगा वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर अब यहां पे देखा जा सकता है 81 81 के साथ हो जाएगा कैंसिल और डिनोमिनेटर में ये जो वन माइनस आर है ये न्यूमिनेटर के वन माइनस आर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हम इस स्क्वेयर को कैंसिल कर देते हैं अब हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस आर इज इक्वल टू फाइव इन टू वन माइनस आर वन प्लस आर इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव आर राइट साइड पे ये जो माइनस फाइव आर है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये जो वन है इसको शिफ्ट करेंगे राइट right साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा आर प्लस फाइव आर एंड दिस इज इक्वल टू फाइव माइनस वन सिक्स आर इज इक्वल टू फोर तो आर हमारे पास आ जाएगा फोर ओवर सिक्स के इक्वल टू इंटू टू इज फोर टू इंटू थ्री इज सिक्स तो यहां पे हमारे पास अब आर आ जाएगा टू ओवर थ्री के इक्वल अब हम आर इज इक्वल टू टू ओवर थ्री को पुट कर देंगे थ्री इन इक्वेशन वन तो हमारे पास आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू नाइन इंटू वन माइनस टू ओवर थ्री ए वन इज इक्वल टू नाइन थ्री माइनस टू ओवर थ्री ए वन इज इक्वल टू नाइन इंटू वन ओवर थ्री थ्री इंटू वन इज थ्री थ्री इंटू थ्री इज नाइन तो ए वन अब हमारे पास आ चुका है थ्री के इक्वल दस द रिक्वायर्ड सीरीज इज ए वन प्लस ए वन आर प्लस ए वन आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए वन की जगह आ जाएगा थ्री देन आ जाएगा प्लस थ्री इंटू आर की जगह आ जाएगा टू ओवर थ्री प्लस थ्री इंटू टू ओवर थ्री होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अब यहाँ पे थ्री से थ्री हो जाएगा कैंसिल अब हमारे पास आ जाएगा थ्री प्लस टू प्लस थ्री इंटू फोर ओवर नाइन प्लस सो ऑन थ्री इंटू वन इज थ्री थ्री इंटू थ्री इज नाइन देन आ जाएगा थ्री प्लस टू प्लस फोर ओवर थ्री प्लस सो ऑन तो ये आ चुकी है हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट एट कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट एट को कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में